हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं कैनवा की, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इसके ऊपर आप लोग बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। हो सकता है कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड हो, लाइक इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, और मे बी फेसबुक पोस्ट, और मे बी आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ बनानी हो, जैसे वेबसाइट या लोगो या बिजनेस कार्ड, या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बनाना हो, लेसन प्लान एंड वर्कशीट, सर्टिफिकेट, बुकमार्क। सो सारी वेराइटीज कैनवा पे अवेलेबल है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और इसका सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि डिज़ाइन को अचीव करने के लिए आपको किसी भी महंगे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, जैसे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसे एक और बेनिफिट है कि आप कहीं से भी अपने डिज़ाइन को एक्सेस कर सकते हो। हो सकता है आप अपने लैपटॉप में ब्राउज़र के अंदर लॉगिन करके कैनवा से डिज़ाइन को देख सकते हो, या मे बी आप अपने मोबाइल में कैनवा का ऐप डाल सकते हो, आप वहां से उसको मैनेज कर सकते हो। सो ऑन द गो अगर आपने कुछ बनाया है, और ऑन द गो आप मान लो मेट्रो में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, तो आप उसके अंदर एडिट कर सकते हो। तो ये काफ़ी ईजी है और ये गो टू टूल है, और मोस्टली जो भी डिज़ाइन कैनवा के ऊपर हैं ये सारे ट्रेंडिंग हैं, और लेटेस्ट जो डिज़ाइन के ट्रेंड्स हैं उसको फॉलो करते हैं। लाइक जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, पोस्टर से रिलेटेड है, लोगो है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, इन्फोग्राफिक है, रिज्यूम है, फ्लायर है, कार्ड है, A4 साइज़ के डॉक्यूमेंट में भी आपके पास डिज़ाइन के टेम्पलेट हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी जैसे आप ये देख रहे हो। जैसे मान लो आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप चाहते हो कि उसका कुछ इस तरीके से बना के और आप अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर उसको लगाओ, जिसे लोगों को वो अट्रैक्ट करे और जो लोग हैं वो कन्वर्ट हों आपके कस्टमर में, तो वहाँ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देन इसके अंदर ब्रोशर्स हैं, मतलब कि प्रिंट से लेके ग्राफिक तक के सारे चीज़ कैनवा के अंदर अवेलेबल है। तो आप इसको खुद से एक्सप्लोर करना। बट आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे कैनवा के अंदर आप कोई भी चीज़ स्क्रैच से बना सकते हो, क्योंकि मोस्टली लोगों ने जो यूट्यूब पे वीडियोस डाली हैं वो बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट हैं उसी के ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उसको आप मॉडिफाई करके देन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट कैनवा के प्लेटफॉर्म को समझने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आप टॉप राइट साइड में ये जो बटन है क्रिएट अ डिज़ाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। देन मान लेते हैं कि हम इंस्टाग्राम के लिए कोई पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करूँगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये ऑलरेडी जो डायमेंशंस होते हैं इंस्टाग्राम के, इन केस कि अगर आपको नहीं पता, तो ये ऑलरेडी वो वाला डायमेंशन इस वाले प्रीसेट में एडेड है, तो आपको कुछ एडिशनल नहीं सोचना, सिर्फ इस पर क्लिक करना है। और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक विंडो आता है, और इस विंडो के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा आर्ट बोर्ड है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये प्लस का आइकन है जिससे आप नया पेज ऐड कर सकते हो। देन हमारे पास है डुप्लीकेट करने का ऑप्शन, देन हमारे पास है नोट्स ऐड करने का ऑप्शन इस आर्ट बोर्ड के रिलेटेड। देन आगे बढ़ते हैं, फिर आप इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ से ऐड पेज का एक और ऑप्शन है। ओके, देन इधर की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में जो टैब है इस पे सबसे पहले है टेम्पलेट। तो क्योंकि मैंने बोला है कि हम स्क्रैच से बनाएंगे, तो मैं टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। स्टिल आप इन टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अपडेटेड और रिलेवेंट है, जो कि करंट जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, या कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, या कोई इवेंट है, या फिर कोई फेस्टिवल है, उससे रिलेटेड ये सारे टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे कोरोना वायरस से रिलेटेड आप इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें ये बोल रहे हैं वर्किंग फ्रॉम होम, वी सैल्यूट ऑल फ्रंटलाइनर्स, देन न्यूज़ रूम से रिलेटेड है, देन एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट
हैं, देन लव से रिलेटेड हैं, देन फूड से रिलेटेड है, तो ऑलरेडी बहुत सारी वैरायटी आपको इसके ऊपर मिल जाती है. ओके सो आप इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हो, जिस भी वे में आपको कन्वीनियंट लगता है. मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वही इस्तेमाल करो मेथड, बट प्लेटफॉर्म को समझने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आपको स्क्रैच से बना के देखना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है. देन जो नेक्स्ट टैब है उसके आगे वो है अपलोड्स का. अपलोड्स के अंदर आप अपने खुद के जो एसेट्स होते हैं वो अपलोड कर सकते हो. जैसे कि आपकी खुद की कोई इमेज है, आपने खुद अपने किसी रेस्टोरेंट के फूड की फ़ोटो ली है, उसको आप अपलोड कर सकते हो. हो सकता है आपकी खुद की फ़ोटो हो जो आप पोस्ट के अंदर फीचर करना चाहते हो, आप वो अपलोड कर सकते हो. ये काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ इस पर ड्रैग करना है और वो अपलोड हो जाता है. और आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो और आप ऑडियो भी अपलोड कर सकते हो जस्ट बाय ड्रैगिंग, और यू कैन यूज द अपलोड मीडिया बटन. देन कैनवा का खुद का एक फ्री स्टॉक है जिसके अंदर ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है. तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस भी इमेज के ऊपर ये प्रो लिखा आ रहा है और ये जो आइकन है इसका मतलब ये पेड है, बट इस इमेज पर अगर नहीं है तो ये फ्री है. तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको इमेज चाहिए तो वो भी आप ढूंढ सकते हो. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड ईस्टर, फ्लावर्स, स्प्रिंग, ऐसे टैब पहले से ही आ रहे हैं जिससे कि आपको सोचना ना पड़े. स्टिल अगर आप कन्फ्यूज हो तो आप यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हो. तो मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ रोज और रोजेस, और ये देखो बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं जिसको मैं अपने डिज़ाइन के अंदर यूटिलाइज कर सकता हूँ. तो काफ़ी कन्वीनियंट है, इसके लिए आपको एक्सटर्नली कहीं नहीं जाना पड़ता. विद इन प्लेटफॉर्म के अंदर ही आपको ये इमेजेस है और आपको सिंपली एक क्लिक करना है और ये आपके आर्टबोर्ड पे आ जाता है, जो कि काफ़ी सिंपल है. देन आप चाहो तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, इसके अंदर कुछ फिल्टर और इफ़ेक्ट लगाना चाहो. अगेन आपको फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है, इफ़ेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड इफ़ेक्ट्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे डुओटोन जो काफ़ी फेमस है, ग्लिच, लिक्विफाई, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो. या फिर आप चाहते हो फिल्टर तो आप फिल्टर लगा सकते हो. आप चाहते हो एडजस्ट करना, आप चाहते हो ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, या आप चाहते हो कंट्रास्ट बढ़ाया जाए, या आप चाहते हो टिंट को एडजस्ट किया जाए, तो आप इसको कर सकते हो. ओके देन जो हमारा अगला टैब है वो है एलिमेंट्स का. सो किसी भी डिज़ाइन के अंदर जो फैंसी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बॉर्डर हो गया, शेप्स हो गए, रेक्टेंगल शेप हो गया, फ़ोन का आइकन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम अगर लगाएं तो उससे डिज़ाइन ट्विक हो जाता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है और वो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करने लगता है. लाइक कुछ ऐसे शेप्स आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से अपने डिज़ाइन के अंदर, या फिर अगर आप कुछ स्पेशली बनाना चाह रहे हो कोरोना वायरस से रिलेटेड तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. ये सारे फ्री हैं, ये आइकन्स के सेट्स हैं जो कि आप खुद से एक्सप्लोर करके देखना. ये काफ़ी सिंपल और इजी है. मेक श्योर कि जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके डिज़ाइन के और आपके बिजनेस के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है. तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं. देन है टेक्स्ट. तो टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी वैरायटी है जिसके अंदर आप ऑलरेडी प्री डिफाइंड हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं एंड सम अदर स्टाइलिंग्स प्री डिफाइंड है. जैसे ये है, इस पर आप क्लिक करो और ये यहाँ पे आ जाता है. अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ जाना है और टेक्स्ट को चेंज करना है.
एंड देन तो ये इतना सिंपल है, आप इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिजाइन के हिसाब से। देन है ऑडियो, तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई वीडियो ट्रैक बना रहे हो उसके अंदर कोई ऑडियो का वो बैकग्राउंड सा म्यूजिक आ जाए या कोई काम सा ट्रैक आ जाए, तो आपके लिए विद इन कैनवा ऑडियो भी है। और इसमें अगेन वही बात है कि कुछ जो हैं वो प्रो हैं, मतलब प्रीमियम अकाउंट के लिए हैं, फ्री नहीं है। तो अगर आपको उन नंबर्स को इस्तेमाल करना है तो आपको वो परचेज करना पड़ेगा, बट जो मैक्सिमम है वो फ्री में अवेलेबल है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। देन वीडियोस हैं, वीडियोस के अंदर आप देख सकते हो कि हर तरह की वैरायटी है, जैसे ये एरियल शॉट है और ये फ्री में है, इसको आप क्लिक करते हो और ये देखो ये आपके कैनवस पे आ जाता है। काफी अच्छी वीडियो है, एरियल शॉट है किसी ब्रिज की, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। देन बैकग्राउंड्स हैं, जैसे ये बैकग्राउंड काफी अच्छा है, आप चाहते हो पेपर का बैकग्राउंड तो आप पेपर का बैकग्राउंड ले सकते हो, आप चाहते हो ब्रिक वॉल तो आप ब्रिक वॉल ले सकते हो, आप चाहते हो टेबल टॉप तो आप टेबल टॉप ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो भी हमारा एक बेसिक डिज़ाइन में नीड होता है वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है, तो आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम आपके खुद के जो ब्रांडिंग के एलिमेंट्स हैं वो। तो अगर आपका खुद का लोगो है तो वो तो आपको लाना ही होगा, जो आप सिंपली यहाँ अपलोड करोगे मीडिया के अंदर और उसको हर बार इस्तेमाल करोगे। देन आप इसमें फोल्डर बना के मैनेज कर सकते हो, मान लो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो और आप उसको चाहते हो कि आपके डिफरेंट कस्टमर्स के सेपरेट फोल्डर्स हों, तो वो आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अब हम क्विकली ट्राई करेंगे एक डिज़ाइन बनाने की, तो पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ जो भी कुछ मैंने ऐड किया है। तो एक सिंपल डिज़ाइन हम बनाएंगे, मान लेते हैं हम एक रेस्टोरेंट का डिज़ाइन बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड कलर ऐड करना है मुझे आर्टबोर्ड पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक सिंपल कलर वाइब्रेंट सा लगा देता हूँ, ये वाला ठीक है। देन मुझे एक जेनेरिक इमेज चाहिए फूड की, मैं यहाँ जाऊँगा यहाँ लिखूँगा सी फूड एंड देन इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप सर्च करो और जो पहली दूसरी इमेज है उसी को आप ले लो, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और उसी इमेज को लेना चाहिए जो कि ओवर क्राउडेड ना लगे, सोफिस्टिकेटेड सा लगे। तो मान लेते हैं हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, हम देन हम इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट करेंगे। अब क्या है, ये जो है ये आ गया है लेफ्ट में, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी इमेज है पूरे आर्टबोर्ड के वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहे, तो आप चाहो तो इसको लेफ्ट क्लिक के साथ लेके जब आप इसको मूव करते हो तो आप देखो दो मैजेंटा लाइन उभर रही हैं, ठीक है। मैं दोबारा से करता हूँ, ये जो एक मैजेंटा लाइन हॉरिजॉन्टल है और जब आप उसको राइट की तरफ लेके जाते हो तो एक और आ गई, इसका मतलब है कि ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर में है। या फिर अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप यहाँ से जाके पोजीशंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज टॉप अलाइन हो तो टॉप कर सकता हूँ मैं चाहता हूँ बॉटम हो तो बॉटम कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ राइट हो तो राइट कर सकता हूँ। तो सब कुछ इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रॉम द डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। अब क्या है, अब इमेज तो हमने लगा दी,
अब इसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो सिंपली मैं जाऊंगा और यहां से मैं कोई स्टाइलिश या फ्री डिफाइन टेक्स्ट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि हम स्क्रैच से करेंगे, तो मैं यहां से लेता हूं एक नॉर्मल हेडिंग, ठीक है। देन मैं इसको सिंपली यहां लिख देता हूं, बेस्ट सी फूड इन टाउन, ओके। देन अब हमने सडनली नोटिस किया कि जो टाउन वर्ड है वो ब्रेक होके नीचे आ गया है, और डिजाइन के अंदर इसको बोलते हैं विडो वर्ड या ऑर्फन वर्ड। तो हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी लाइन में विडो वर्ड या ऑर्फन वर्ड ना आए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले हैंडल को या राइट वाले हैंडल को लेके इसको क्लोज करेंगे, ओके। क्लोज करने के बाद क्या होगा, खुद से ब्रेक होके आपने देखा कि इन नीचे आ गया, ओके। देन हम इसको सारा जो हमारा ये है इसको लेके जाएंगे ऊपर, इससे आप रोटेट भी कर सकते हो अगर आप चाहो अपने डिजाइन में इसको रोटेट करना, तो भी कर सकते हो, बट हमें इस वाले डिजाइन में रोटेशन की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके डिजाइन में उसकी जरूरत है तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हो। अब मैं इसको करूंगा टॉप अलाइन, देन मैं करूंगा सेंटर, ओके। एंड देन मैं इसके अंदर एक सब हेडिंग भी ऐड करूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा कम विजिट अस, ओके। जो कि पहले हमारा जो लाइन है वो बोलेगा बेस्ट सी फूड इन टाउन, देन एक विजुअल होगा जो कि काफी अपीलिंग होगा, जिसे लोग अट्रैक्ट होंगे, देन हमारा ये कॉल टू एक्शन होगा जो लोगों को इनवाइट करेगा मेरे रेस्टोरेंट में। मान लो मैं एक रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ जो सी फूड में डील करता है, देन उस केस में ये एनफ है, ओके। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने डिज़ाइन को ट्विक करेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी बेसिक लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मूव करके नीचे लाऊँगा। अगेन मैं अलाइनमेंट के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ, आप देख रहे हो मैजेंटा लाइन जो अपीयर हो रही है उससे मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ। एंड देन ये जो है इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरलैप करूँगा इमेज के ऊपर। अब क्या है, क्योंकि ये सी फूड है और ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ रेस्टोरेंट की इमेज लग रही है, मींस कि जिस तरीके की डिश का प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, उसके हिसाब से ये जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो इसके लिए मैं इस फॉन्ट को चेंज करूँगा, जिसको आप काफ़ी सिंपली चेंज कर सकते हो। ये सेलेक्ट करके हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो अगर आपको फॉन्ट की नॉलेज है थोड़ी बहुत तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हो, या फिर आप ट्राई कर सकते हो। तो मान लेते हैं हम मॉन्सेरेट ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, ये भी अच्छा नहीं लगा। देन हम देखते हैं एब्रिल फैट फिश, आई थिंक ये जा सकता है, ओके। देन अगेन मैं इसको ब्रेक करता हूँ और इसको सेंटर अलाइन करता हूँ। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये जो दो लाइंस हैं इसके बीच में जो ये गैप है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइन हाइट, ये जो लाइन हाइट है ये बहुत ज़्यादा है, ओके, जिससे कि काफ़ी लूज वाली फीलिंग आ रही है इस टेक्स्ट में। तो इसको सिंपली हम फिक्स करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, ओके। एंड देन हमें ये लेटर स्पेसिंग है, जिससे कि लेटर्स के बीच में जो स्पेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए लाइन हाइट, ओके। तो अब काफी हद तक ये ठीक हो गया है, थोड़ा सा और इसको नीचे मूव कर देंगे। अब मुझे लगता है कि हमें इसको कैप्स में कर देना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट हो जाए।
देन मैं इसको अगेन सेंटर अलाइन करूँगा एंड कम विजिटर्स आई थिंक कि ये वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग चाहो तो इसके अंदर और ट्विक कर सकते हो, बट क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो है तो इसके ऊपर सिर्फ मुझे एक ओवरव्यू देना है कि कैसे आपको स्क्रैच से डिज़ाइन अचीव करना है कैनवा के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो ब्लैक कलर है, क्योंकि ये फूड का बिजनेस है, अगर आप इमेज पे भी देखोगे तो इमेज के जो कलर्स हैं वो समहाउ मैच करते हैं बैकग्राउंड से, ओके। बट जो ये टेक्स्ट है, ब्लैक कलर सही है बट CTA के लिए सही है, बट यहाँ पे हमें कुछ ट्विक करना होगा कलर में। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ क्लिक करूँगा इस इमेज पे, ओके, या फिर टेक्स्ट पे, और मैं कलर्स पे क्लिक जब करूँगा तो यहाँ से जाके मैं देख सकता हूँ कि अच्छा ये कलर सेलेक्ट करके देखते हैं, ये कलर सेलेक्ट करके देखते हैं। मतलब आप ट्राई कर सकते हो कि कौन सा कलर जा रहा है आपके डिज़ाइन के साथ, और जो कलर मैच करे अच्छे से आपको वही लेना चाहिए, जिससे कि हर एलिमेंट है डिज़ाइन का वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे, ओके। देन मुझे अभी भी लग रहा है कि ये कलर सही नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा सा खुद से एडिट करूँगा कलर के अंदर। ये मैंने थोड़ा सा मरून की तरफ किया है कलर को, ओके। देन ये जो इमेज है इसके ऊपर भी हमें कुछ ट्राई करना चाहिए कि हम इसको कैसे एलिवेटेड लुक दे सकते हैं, देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी है जिससे कि आप रिड्यूस कर सकते हो विजिबिलिटी को, इमेज की विजिबिलिटी को अगर नीडेड है तो, बट हमें ये नहीं चाहिए। इफेक्ट्स के अंदर फिल्टर एडजस्ट क्रॉप, ओके, आप क्रॉप भी कर सकते हो इमेज को, अगेन हमें ये नहीं चाहिए। फ्लिप कर सकते हो इमेज को अगर नीडेड है तो, और इसको बैकग्राउंड में भी आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ट्राई करके देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप जितना एक्सप्लोर करोगे इसको, आप उतना ज़्यादा फैमिलियर होगे इससे, ओके। तो यहाँ से हमने इसको देख लिया, ठीक है, फ्लिप देख लिया, ओके, क्रॉप देख लिया। तो मुझे लगता है कि इसमें वो फीचर अभी नहीं है जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं एक दूसरा सॉल्यूशन लेके आऊँगा। क्योंकि डिज़ाइन जो है वो किसी भी पॉइंट पर रहे हमेशा उसको इम्प्रूव करने के चांसेस रहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एलिमेंट्स के अंदर, मैं चाह रहा था इसके ऊपर एक बॉर्डर आए, बट क्योंकि इस पर डायरेक्ट वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक शेप लेके जाऊंगा जो इमेज के पीछे प्लेस करूंगा और उसको चारों तरफ से थोड़ा सा बाहर को निकाल दूंगा, जिससे कि वो बॉर्डर जैसा फील देगा, ओके। तो जब मैं क्लिक करूंगा इस पे, ये शेप आ जाता है हमारे पास। अब क्या है, ये शेप आ गया हमारे इमेज के ऊपर। अब इसको हमें भेजना है इमेज के पीछे, तो पोजीशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो फॉरवर्ड का मतलब ऊपर और बैकवर्ड का मतलब पीछे, जैसे लेयर होते हैं। तो जब मैं क्लिक करूंगा बैकवर्ड पे तो इमेज के पीछे चला जाएगा, और जब मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो इमेज के आगे चला आएगा, बट हमें चाहिए बैकवर्ड, ओके। देन मैं इसके कलर को चेंज करके सिंपली वाइट करूंगा जिससे हमारी इमेज पॉप आउट हो, और मैं इसको अलाइन कर दूंगा इस तरीके से। काफ़ी हद तक हमने अपने डिज़ाइन को अचीव कर लिया है, अब थोड़े बहुत ट्विक रह गए हैं जिससे कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब क्या है, अब इसके अंदर आप
और भी ट्विक कर सकते हो जैसे आप चाहो तो, इस कलर को चेंज कर सकते हो थोड़ा और इसको लाइटर टोन में लेके जा सकते हो इस तरीके से, या आप एंटायरली इसको चेंज कर सकते हो। जैसे सी फूड की बात हो रही है तो हम कुछ सी फूड जैसे कलर ले सकते हैं। ओके, बट हमेशा ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप इनमें से कोई कलर लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे कलर चेंज करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए मैं येलो ही रखता हूँ। देन एक जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है कैनवा का, आप एनिमेट कर सकते हो। तो एनिमेट जैसे आप ये देख रहे हो एक स्विच आ रहा है यहाँ पे, इसको जब आप क्लिक करोगे एनिमेट बटन पे, देन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे प्री डिफाइंड एनिमेशन इसके अंदर ऑलरेडी एडेड हैं। आप चाहो तो ये अप्लाई करके देख सकते हो, या फिर आप सबके ऊपर जब हावर करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये कैसा एनिमेशन है। तो जैसे मैं मान लो ब्लॉक लेता हूँ इस तरीके से, मैं मान लो इस पे क्लिक करता हूँ ब्रीथ पे, तो ये देखो कैसे पॉपअप होके आ रहा है। मैं मान लो फोटो फ्लो ले लेता हूँ, काफी अच्छा है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। हर बार जब आप कैनवा यूज करते हो हर बार आपको कुछ नया दिखता है और आप सरप्राइज हो जाते हो कि अच्छा ये भी हो सकता है। देन आप पेन यूज कर सकते हो, देन अगर आपने पेन यूज कर लिया और आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी स्लो हो जाए तो आप टाइमिंग को भी यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो मान लो मैंने ये कर दिया टाइमिंग। ओके, अब क्या है जब आपका डिज़ाइन डन हो गया तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको प्ले करके देखोगे रिव्यू करने के लिए इस तरीके से। तो काफ़ी हद तक ये हमारा डन हो चुका है। जब आप अपने जो फाइनल रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो जाओ तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। हो सकता है आपका कस्टमर हो, उसको आप शेयर करके रिव्यू मांगना चाह रहे हो कि अच्छा ये हमने आपके लिए डिज़ाइन बनाया है और इसमें कोई चेंज है तो आप देख लो, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अंदर आपको सिर्फ ईमेल डालना होता है और वो लिंक आपके कस्टमर के साथ शेयर हो जाता है। देन अगर आप खुद से मैनेज कर रहे हो सब कुछ तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। ओके, अब आपने नोटिस किया होगा कि ये यहाँ पे आ रहा है MP4 वीडियो। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसमें एनिमेशन ऐड किया है। और जब ये इंस्टाग्राम पे जाएगा और अगर हमने इसको PNG में डाउनलोड किया तो वो जो एनिमेशन हमने ऐड किया है वो उसमें प्रिजर्व नहीं होगा, क्योंकि PNG जो है वो सपोर्ट नहीं करता मूवमेंट को। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल, अगर बिना एनिमेशन की हमारी फाइल होती तो वो कैसे हम उसको टैकल करते। तो मैं बैक कर रहा हूँ अपने चेंजेस एनिमेशन वाले, हमने एनिमेशन हटा दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्ले बटन था वो भी हट गया है। अब जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगा PNG। इसका मतलब कि ये फाइल स्टैटिक है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। आपको सिंपली यहाँ से देखना है PNG सजेस्टेड है कैनवा की तरफ से, क्योंकि PNG जो होती है वो काफ़ी क्रिस्प क्वालिटी में होती है, काफ़ी शार्पन दिखती है, इसलिए ये PNG में है। बट अगर आप जेपेग रखोगे तो इसकी फाइल साइज स्मॉल तो होगी बट समहाउ इसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। देन PDF है, देन PDF प्रिंट है, जो ऑब्वियसली आप प्रिंट के लिए अगर कुछ बना रहे हो तो आप PDF या PDF प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हो। और MP4 जैसा मैंने पहले बताया कि MP4 एंड जो GIF है ये मोशन के लिए है। बट MP4 और GIF में आपको कब कौन सा सेलेक्ट करना है वो भी मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। MP4 जब मोशन है आपके डिज़ाइन के अंदर, हो सकता है वो वीडियो हो सकता है वो एनिमेशन हो, तो आप GIF रख सकते हो। बट मोशन के साथ साउंड भी है तो आपको MP4 रखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये हाई क्वालिटी वीडियो लिखा है और GIF पे लिखा है शॉर्ट क्लिप नो साउंड। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। बट इस केस में क्योंकि हमारी जो फाइल है वो है PNG तो हम इसको PNG में ही रखेंगे, क्योंकि ये सजेस्टेड है और
क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर ऐड किया है तो हमें यहाँ पे कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इसके ऊपर डाउनलोड जो बटन बना है इस पर क्लिक करना है और ये आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है। मुझे पता है कि ये बेस्ट डिज़ाइन नहीं है, स्टिल ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था, ओवरव्यू था बिगिनर्स के लिए कि अगर आप फैमिलियर नहीं हो कैनवा प्लेटफॉर्म से तो आप इसको देख के इंस्पायर हो और ख़ुद इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करके कुछ बनाने की कोशिश करो। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या डाउट हो या कुछ स्पेसिफिक आप चाहते हो पूछना तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होता है कमेंट सेक्शन वहाँ पे जाके आप लिख सकते हो और हम डेफिनेटली उस वाले टॉपिक को रिप्लाई करेंगे या फिर उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारी फाइनल फाइल है आपके सामने और ये किसी भी डिज़ाइन को इस पे बनाने में, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है साथ साथ में, इसलिए हो सकता है कि ये जो ड्यूरेशन आपको लग रहा हो ज़्यादा है, बट कैनवा के ऊपर ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कोई भी डिज़ाइन 5 to 10 मिनट में इजीली बना सकते हो स्क्रैच से। और अगर आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो 1 to 2 मिनट में आप माइनर एडजस्टमेंट करके अपने फाइल को क्विकली डाउनलोड करके और पब्लिश कर सकते हो, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो ये था हमारा ओवरव्यू कैनवा का। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा कैनवा पे तो उस टाइम हम कुछ और ट्राई करेंगे बनाने की और कुछ कॉम्प्लेक्स सा बनाएंगे, जिससे कि एडवांस लेवल पे कैसे हम डिज़ाइन को लेके जाएंगे कैनवा में वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारे पेज को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो और मेक श्योर लाइक और कमेंट, ये ज़रूरी होता है जिससे हमें पता चले कि जो भी हम बना रहे हैं वो कोई देख रहा है और वो हमें अप्रिशिएट कर रहा है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और वीडियोस बनाएं।